शुभम जी कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से यहाँ पर? यहाँ पे मैं लिफ्ट से हूँ। लिफ्ट से? लिफ्ट कॉलेज का। दोस्तों कितनी सुंदर डूडलिंग बनाई हुई है। ये डूडलिंग राजमाता स्कूल की तरफ से है। ये देखिए वाड़े बहुत फूल। तो दोस्तों ये जो सुंदर सी डूडलिंग देख रहे हैं रेड यूनिफॉर्म के अंदर मार्क किया है राजमाता स्कूल जोधपुर। बड़े सौभाग्य की बात है 1971 युद्ध नायक कैप्टन गंगाराम जी चौधरी साहब इस समय यहाँ पर ग्राउंड में पधारे हुए हैं। तो हम उनसे भी बात करेंगे। और जिस समय 1971 का युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के अंदर एंटर हो गए थे और 2 वर्ष तक वहाँ पर कैद भी रहे थे। तो बड़े सौभाग्य की बात है इस समय वो हमारे साथ में है, हम उनसे बातचीत करेंगे। दोस्तों कैप्टन गंगाराम जी चौधरी महानायक नायक 1971 वॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1971 सर से आशीर्वाद स्वरूप ये जो टाबर मेला जो लगा है तो सर यहाँ पे पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद सर। सर एक तो जानना चाहेंगे 1971 युद्ध के अंदर और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है टाबर फंक्शन, सर इसके ऊपर भी 2 शब्द कहें। बहुत 51 साल हो गए हैं, ये 52वां साल है। आप देखिए उस वक्त जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को बनाने के लिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर लिया था लेकिन हमारी जो फौज थी मानेकशॉ साहब के अंदर, उनके अंडर हमने काम किया और हमारी फौज तीनों सेनाओं ने, हमारी जो प्रधानमंत्री यशस्वी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और सारा देश बच्चे से लगाकर बूढ़े तक सारे एक थे, सारों का सपोर्ट एक साथ था और हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी बटालियन थी, मैं नया नया सेकंड लेफ्टिनेंट था और मुझे मौका मिला जैसे ही मैं कमीशन हुआ और सीधा हम लोगों को बॉर्डर पे भेज दिया गया। बॉर्डर पे हम गए और हमारी 39 GR ने 3 तारीख के जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो दो तीन दिन तक तो हम उनको खदेड़ दिया जो हमारे पास अटैक करने आए थे। 6 तारीख को हम घुस गए पाकिस्तान में और उनकी जितनी चौकियां थी सब बर्बाद कर दी। उसके बाद हम आगे गए 5-10 किलोमीटर के अंदर जो भी उनके गांव थे उनको हम कैप्चर करते गए और उनको हराते गए। फिर हमने एक भट्टी गांव उसको कैप्चर किया। फिर 13-14 की रात को हमने शाहपुर गांव को कैप्चर किया और वहां भी उनको डिफीट कर दिया। फिर लास्ट में 14 और 15 की रात को हमने बैन नदी पार की जो उनका शकरगढ़ है, जो उनका आजकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उन दिनों के अंदर छतराना गांव उसका एक हिस्सा था, जैसे मंडोर अभी जोधपुर का हिस्सा है, उसको हमको टारगेट दिया गया। हमने नदी पार करके हैंड टू हैंड फाइट में हमने उनको कैप्चर किया और पाकिस्तान को डिफीट कर दिया। अब जो जहां तक उसको लेने की बात है वो तो हमने अपना टारगेट अचीव कर दिया। मेरे साथ जो सिपाही और हमारी पलटन के बहुत से लोग थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। हम लोग सारे थे, हमको कईयों को पांव में गोली लगी, जैसे मुझे यहाँ पर गोली लगी हुई है और मेरे यहाँ पर भी सर के ऊपर उसका गोला लगा हुआ है। तो ऐसे हमारे जितने भी आदमी थे या तो शहीद हो गए या घायल हो गए। लेकिन दूसरे दिन सुबह सीज फायर हो गई, हमें कोई सीज फायर का नहीं पता था और चारों तरफ से पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और हम लोग पाकिस्तान के पाकिस्तान में ही रह गए। और हमारी जो पीछे से जो टोली आनी थी वो नदी पार करके आ नहीं सकी और अर्ली मॉर्निंग ये हो गया। मैं तब तक बेहोश हो गया था और मुझे बेहोशी की हालत में जब मुझे वापस सेंस आया तो मैंने देखा कि मेरे चेहरे के ऊपर बंदूक लिए हुए 2-3 सिपाही और चारों और दूसरे लोग खड़े हैं। उस वक्त मुझे पता लग गया कि मैं शायद मेरे देश में नहीं हूँ। लेकिन जैसे आपको पता है कि हर हाल में सिपाही का तो यही काम होता है कि वो अपने जोश में रहे, दम लगा के रहे और जैसा था वैसा मैंने उसको पेश किया। उसके बाद की कहानी लंबी चौड़ी है। फिर हम लोगों को कोई इलाज वगैरह तो नहीं किया, ये ब्लड आ ही रहा था और वो लोग हम लोगों को पीछे की साइड में लेके गए, कहीं पे मेरा इंटरोगेशन किया, कहीं पे कुछ किया और ऐसे करते 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 रात को हमको एक कोई बंकर में ले गए। वहां फिर उन्होंने इंटरोगेशन किया, फिर भी कोई गोली वोली कुछ नहीं दी थी, खून बह रहा था और बीच में मूर्छित भी हो जाते थे। और रात को जाके रावलपिंडी जेल के अंदर हमको बंद कर दिया, रावलपिंडी जेल में बंद किया और दूसरे दिन रावलपिंडी मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए जहां पर हमें बंद किया और वहां 5-7 दिन बाद में फिर एक कोई एपीसी गोली दी
और कुछ दिनों बाद में हमारा ऑपरेशन किया और दूसरे भी जो हमारे ऑफिसर थे, लेकिन 15-16 के बाद में 17 तारीख को शायद एक कोई वो नमक की एक वो छोटी सी कोई कागज आया था, उसमें हमें पता लग गया सीज फायर बांग्लादेश लिबरेटेड, उन्होंने भी वो पाकिस्तान टाइम्स में दिया। तो मैं और मेरे बगल में ही एक दूसरे हमारे हिंदुस्तान के ऑफिसर थे, मेजर हमीर सिंह जी, उन दिनों के अंदर वो भी घायल हो गए थे, उनको भी गोली लगी थी, तो उसी रात में उन्होंने भी अटैक किया था। तो हमें पता लग गया कि भाई हम जीत तो गए, तो फिर हमने डरना वरना अब क्या है, मारेंगे गोली तो मार देंगे, लेकिन फिर भी हम अपने हिसाब से रहे, ना उनसे दबे ना कोई बात। और फिर आगे की स्टोरी तो बहुत लंबी चौड़ी है, फिर हम लोगों के इलाज के दौरान भी वहाँ पर गए और फिर 5-7 हम ऑफिसर थे उनका उन्होंने लिया। फिर हम उसके बाद में हमको जो जेल थी लायलपुर के अंदर बड़ी जेल, उस जेल के अंदर ले गए। उस जेल में आपको पता हो तो भुट्टो को भी उससे पहले उन्होंने बंद कर रखा था। उस जेल के अंदर हम कम से कम 11.5 महीने रहे और 11.5 महीने के बाद में जब भुट्टो इस साइड में आया और शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद में हम लोगों का एक्सचेंज हुआ। हमने उनको हरा के बांग्लादेश बनाया, कम से कम 1,00,000 उनके फौजी और उनको सरेंडर कराया था, वो तो आके हमारे पास थे, लेकिन इस साइड में हमारे 500-550 आदमी, 200-250 तो पहले दिन ही पकड़े गए थे, बिकॉज 3 तारीख को उन्होंने, और कुछ लोग जो हम लास्ट में अटैक किए थे और उनके जाके उनका कैप्चर किया था, तो 500-600 हमारे आदमी थे, उनके 2,500 थे, उनका एक्सचेंज किया था। जब उनका एक्सचेंज किया तो हम लोगों को वापस शिमला एग्रीमेंट के बाद में 11.5 महीने बाद में हम आ गए। अब भी इनके यहाँ पर थे जो बांग्लादेश से पकड़े थे, तो वो समझौता हो गया। अब आपको पता है कि इंटरनेशनल कानून के हिसाब से क्या होता है, कई समझौते होते हैं और कैसे करते हैं, लेकिन हमने बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उनकी जो खुरापात थी दोनों साइड से वो एक तरफ की हमने बंद कर दी। और करोड़ों आदमी जो बंगाली आए हुए थे, जिससे हमारे देश का खाना पीना पानी सुविधाएं, वो जो उन दिनों के अंदर इतना हम लोग कोई आगे एडवांस भी नहीं थे, वो सारा होने के बाद में हम लोग वापिस आए। अमृतसर पे हमारा स्वागत हुआ, दिल्ली में भी अब दिल्ली की जनता ने हमारा बहुत स्वागत किया, और 10-15 दिन बाद में हमारी डीप ब्रीथिंग हुई और मैं जब जोधपुर गया, मेरे पिताजी और दूसरे गांव वाले लेने के लिए आए, और मैं जब अपने गांव पहुंचा तो वहां गांव वालों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, कोई 50-60 कोस से लोग आए पूरे, और सब लोग खुश थे कि भाई ये आ गया। और मेरे पलटन की तरफ से गांव में चिट्ठी चली गई थी कि मिसिंग बिलीव्ड किल्ड, और आपके सन ने बहुत ही बढ़िया लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुर है। तो घर वालों ने सोचा भाई आएगा नहीं, लेकिन बीच में कोई बातचीत हुई मिनिस्टर वगैरह से, मेरे पिताजी सरपंच भी थे तो उन्होंने रामनिवास जी मिर्जा और इधर उधर सबसे करके, तो फिर वो फ्लैग मीटिंग हुई, उसमें बता दिया कि भाई एक सेकंड लेफ्टिनेंट गंगाराम चौधरी है जो मोटाराम जी का बेटा है, वो जीवित है। और फिर आपको पता है कि हम लोगों से कोई 8-10 महीने बाद में बुलाया वहाँ पाकिस्तानियों ने, मेरा नाम गंगाराम चौधरी सेकंड लेफ्टिनेंट है, मैं मोटाराम जी का बेटा हूँ, मैं राजौला का रहने वाला हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, और ऐसे करके वो तो नहीं। तो एक वक्त तो ऐसा हो गया कि भाई बिस्तरा भी मेरा भेज दिया, तो मेरी बुआ वगैरह मिलने के लिए आ गए आदमी, बिल्कुल समझ। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ आप सब लोगों की, अब मैं टावर मेले पे 1 मिनट लगाऊंगा जी, सल्यूट करता सर, आपने जो चीज बताई जो ऐसा एकदम रोंगटे खड़े हो गए हमारे, आपकी कृपा है। ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, इन बच्चों को इनका जोश, इनकी भावना, इनके टीचर्स, इनके अभिभावक और आप जैसे सब लोगों को देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ये लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और देश का भविष्य एकदम उज्ज्वल है। सारे के सारे बच्चे आज की तारीख के अंदर इंडिया के अंदर यूथ जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर देम, दे विल ऑल ग्रो वेरी वेल, एंड आफ्टर सीइंग दी चिल्ड्रन एंजॉइंग सिंस मॉर्निंग इन वेरियस एक्टिविटीज, आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन दैट दी चिल्ड्रन विल गो वेरी फार इन लाइफ and they will become all very successful. It's a great country and we rest assured that 21st century is that of India. Although it's of China also, but we will make it for India. Let's all unite and be very, 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 very hopeful and optimistic. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Thank you very much. देखा दोस्तों कैसे रोंगटा खड़े हो गए थे मेरे, तो एकदम रोंगटा एकदम खड़ा हो गया जैसे कोई बहुत गजब का जोश आया हो। तो ऐसे सिद्ध पुरुष देव पुरुष इनको जो मतलब मौत के मुंह से
वापस निकलकर और पाकिस्तान से यहाँ आए, पूरी घटनाक्रम बताया। बहुत 11 महीने का समय लंबा होता है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा टाबर मेले में भी और सर से आशीर्वाद देते हुए भी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिलीप जोशी ऑर्डर फॉर ब्लॉग्स। फिर करो ये जितने भी बच्चे हैं और कैडेट्स हैं सब नीचे आ जाओ। यहाँ पे अभी सब लोगों का बहुत ही अच्छा फ्यूचर है, गरीब लकड़ी का चले जाओ, कोई भी ऊपर नहीं होना चाहिए यहाँ पे भाई। ये जो गवर्नमेंट अभी चल रही है